गांव के बीच सड़क पर वर्षों से जल जमाव से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप, जनप्रतिनिधियों को गांव की समस्या से कोई मतलब नहीं है। अमनौर सारण प्रखंड के अमनौर कल्याण पंचायत स्थित नरसिंह भानपुर गांव के ग्रामीण सड़क के बीच जल जमाव होने से आक्रोशित ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध किया प्रदर्शन। शुक्रवार को प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण स्थानीय जनप्रतिनिधियों से काफ़ी खपा दिखे। इनका आरोप था कि गांव के सड़कों के बीच वर्षों से घुटने तक पानी जमा रहता है। तस्वीर में देखने से लगेगा कि गांव बीच नहरी के आसपास बसा है। लगभग 100 मीटर की दूरी तक यह जल जमाव है। गांव की समस्या को लेकर कोई आगे नहीं आता। चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि गांव के विकास का आश्वासन देकर वोट ले लेते हैं, लेकिन किसी समस्या से किसी को कोई मतलब नहीं है। गांव से निकलने का यह मुख्य मार्ग है। सड़क के बीच पानी जमा होने से गांव में निकलना मुश्किल हो गया। सड़कों से आने जाने के दौरान कई बार लोग पानी में गिरकर घायल हो जाते हैं। पानी के कारण बच्चे स्कूल भी जाना नहीं चाहते। इसी समस्या को लेकर ग्रामीण दर्जनों बार जनप्रतिनिधि को लिखित शिकायत किया, कोई लाभ नहीं मिला। प्रदर्शन करने वालों में परमात्मा प्रसाद, रविंद्र प्रसाद, संजय प्रसाद, राम बालक प्रसाद, रामायण महतो, लव कुमार, एकर्षि महतो, धीरज कुमार, पवन कुमार, रामेश्वर प्रसाद, रामलोचन प्रसाद, लखन प्रसाद, भुवनेश्वर प्रसाद, शिंटू प्रसाद, मंटू प्रसाद, धर्मशिला देवी, सुभांति देवी, रिंकू देवी, मानकी देवी, सोशीला देवी समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। जल जमाव होने का मुख्य कारण है कि सड़क के किनारे सभी लोग घर बना लिया है और सड़क किनारे घर होने से सड़क हाल में हो गया है। आसपास के कुछ लोगों के पानी भी सड़कों पर गिरती है और हल्की वर्षा होने पे भी पूरी पानी लग जाता है। जो समस्या है यहाँ देखने लायक है कि किस तरह से मेन रोड पे पानी का जमावड़ा सालों भर लगा रहता है, जो आम ठेवना भर लगा होता है। यहाँ पे निवासी हैं यहाँ के रहने वाले और इन्हीं से हम स्टेटमेंट लेते हैं क्या स्थिति होता है यहाँ पे, चूँकि सालों भर पानी का जमावड़ा होने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने मौलिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं और आम जनता इस घटने में बराबर कोई ना कोई लड़कियाँ भी पास नहीं कर पाते, बूढ़े बुजुर्ग को रात में आने परेशानी होता है, घर से मोबाइल नहीं हो पाते। तो अभी यहाँ गांव के लोगों से हम जानना चाहते हैं क्या कठिनाई का सामना होता है यहाँ पे। तो चाचा ये कौन सा गांव पड़ता है? नरसिंह भानपुर गांव पड़ता है जी। पंचायत कौन सा होगा? अमनौर कल्याण। क्या समस्या है यहाँ? समस्या है कि यहाँ ठेवना भर पानी परमानेंट लगा रहता है। बारिश होता है तो जाने आने में बड़ा दिक्कत होता है। लड़का सब स्कूल नहीं जाता है, अब बूढ़े आदमी को दिक्कत होता है कि पर पैखाना जाने के लिए। तो ये लगातार पानी लगा रहता है? हाँ, लगातार पानी लगा रहता है। पानी का निकासी का कोई यहाँ पे नहीं है? यहाँ निकासी का कोई पानी? तो आप लोगों ने अपने निजी जो स्थानीय जो मुखिया है उनको कुछ सूचना दिया, कुछ बताया अपने समस्या को? मुखिया आते नहीं है यहाँ देखने के लिए। फोन कई बार कर किए हैं हम, हमारा नाम परमात्मा प्रसाद है, कई बार फोन किए नहीं आए हैं, देखने के लिए नहीं आए हैं। और विधायक जी महोदय से अगर वो नहीं सुन रहे तो विधायक जी भी नहीं आते हैं देखने के लिए। मैंने अब मैंने कैमरामैन से रिक्वेस्ट है, मैं दिखाता हूँ रोड पे किस तरह से पानी का जमावड़ा है। जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, इनको स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है और जो शाम में तो ये बहुत ही कठिन साध्य है कि इस रोड से कोई जा पाए, कोई बुजुर्ग बराबर कोई ना कोई गिरता है या अनहोनी होने का शंका रहता है। तो इस तरह से ये यहाँ के गाँव के लोगों का कहना है, देखिए कितना यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। जब इनको पता चला कि कोई मीडिया वाले यहाँ पर आए हैं सूद लेने के लिए, चूँकि इनका कहना है कि कोई मुखिया जीतने के बाद भी अभी तक यहाँ सूद लेने नहीं आया, कोई समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो ये अपने विधायक को, स्थानीय विधायक को भी बोले, इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये काफ़ी मैंने क्रोध में भी है, दुखी भी है कि इनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब ये आपको मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे दिखा रहा हूँ, ये ग्राउंड रिपोर्ट है VBS न्यूज का। देखिए यहाँ पे गांव के एक चाचा आए हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, ये सोच के लिए भी जाते हैं, इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ सुनने वाला कौन है? आप देखिए सुशासन का सरकार बोला जाता है और इस तरह से शासन ने ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है, न प्रशासन काम कर पा रहा है न सुशासन काम कर पा रहा है। चाचा जी क्या परेशानी है बताइए थोड़ा? परेशानी यही है कि हम तो बिना गोड़ हाथ का है, कमजोर आदमी, गिर जाते हैं कभी कभी तो चोट लग जाता है जी। और जाने में हमको बहुत दिक्कत है पैखाना। देखिए चाची यहाँ पे कुछ कर रही है अपना, ये और भी सालों भर पानी लगले रहता, इससे परेशानी आपको क्या झेलना पड़ता है? हम लोगों को रात बिरात के हमें जाए में दिक्कत होता है, लड़कियां बात स्कूल जाते नहीं थे,
देखिए ये मुख्य, ये गांव का मुख्य पथ है, इसमें और जनसंख्या ज्यादा हाई डेंसिटी में है, यहाँ घनत्व ज्यादा है, जनसंख्या मुख्य पथ इसको बोलते हैं। इसके बावजूद इस रास्ते का कोई कोई सुध लेने वाला नहीं है, ना यहाँ के विजेता मुखिया जो आश्वासन कई विश्वासन करने के बाद मुखिया भी नदारद है और विधायक तो और सुनते ही नहीं है जो प्रतिनिधियों का। जी बोलिए चाची, क्या जीत कैलते वोट लेवे खातिर तो चल आए लोग आईने देखो तो जे रात बियत के का दासा होता हमनी के। चलिए ये यहाँ पे बच्चे बुजुर्ग और औरतें भी हैं जो अपना समस्या बता रहे हैं।